जय हिंद दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय जी हैं। बहुत ही फेमस वकील है और कई बार ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए PIL दाखिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट से जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं उससे बात करते हैं और कभी कभी कानून बनाने इस संबंध में ये कार्य करते हैं। कानून के बहुत अच्छे जानकार, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही काबिल वकील, बहुत ही काबिल प्रवक्ता है। आपने कई बार इनको सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए देखा होगा, कई बार आपने इनको न्यूज चैनल्स के डिबेट में भी देखा होगा। अभी कल इनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ जिसमें ये बात कर रहे हैं कि राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी हमारे पास जो एजुकेशन एक्ट है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इन्होंने इस वीडियो में बात करी है कि हमें राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदलकर राइट टू इक्वल एजुकेशन कर देना चाहिए। और बहुत ही बेहतरीन तथ्यों के साथ इन्होंने पॉइंट रखा और कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई। हर एक शिक्षा से जुड़े व्यक्ति को इनका वीडियो देखना चाहिए, हर एक शिक्षा से जुड़े व्यक्ति को इनकी बातों का समर्थन करना चाहिए। और जितने भी लोग, खासतौर पे अगर ऐसे परिवार हैं जो कि गरीब परिवार से आते हैं, इनका पुरजोर समर्थन करना चाहिए। इन्होंने कौन कौन सी बातें रखी, क्या पॉइंट रखा और क्या इनकी बातों से फायदा होगा, इस सब कुछ जानेंगे। थोड़ी थोड़ी इनकी वीडियोस को भी हम साथ में देखते चलेंगे, ठीक है? देखिए, हमने ये मांग किया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाया जाए और पूरे देश में सिलेबस कॉमन किया जाए। बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाला अपने तमिल में पढ़े, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होना चाहिए। वीडियो लंबी है इसलिए मैं इसको समराइज करके संक्षिप्त में आपको बता देता हूं कि इन्होंने कहा क्या। देखिए, मैं आपको एक शिक्षा जगत की एक सच्चाई बताऊं, कड़वी सच्चाई। वो ये है कि शिक्षा जगत में अमीर के बेटे के लिए अलग किताब है, गरीब के बेटे के लिए अलग किताब है। एनसीईआरटी जो टॉपिक, जो पॉइंट क्लास 11th में स्टार्ट करती है, एग्जाम्पल के तौर पे सेट यानी कि समुच्चय सिद्धांत गणित में, मैथ में एक टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी के 11th में इंट्रोड्यूस किया गया, वही पॉइंट आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 में स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा भी बहुत टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता हो गई, एनसीईआरटी उसको अपर क्लास में स्टार्ट करती है और बहुत सारी आईसीएसई हो गई, सीबीएसई उनको पहले स्टार्ट कर देती है। अब आप देखेंगे आईसीएसई की जो किताबें होती हैं वो महंगी होती है, 500-600 की किताबें मिलती हैं। एनसीईआरटी की किताबें सस्ती होती हैं, 100-150 रुपए में मिल जाती हैं। आईसीएसई या सीबीएसई के स्कूल के फीसेस महंगे होते हैं, 2,000, 2,500, 3,000, 5,000, इससे भी ज़्यादा फीस होता है। सरकारी स्कूलों के फीस कम होते हैं, तो जो गरीब के बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो महंगे स्कूलों में पढ़ाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको शिक्षा गलत दी जाए या शिक्षा में भेदभाव की जाए कि अमीरों के लिए अलग शिक्षा, गरीबों के लिए अलग शिक्षा। सिंपल सा सवाल ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए जो बेटा गरीब है, क्या उसको हक नहीं कि वो वही किताब पढ़े जो कॉन्वेंट के स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं? शिक्षा मंत्री जी जो है, उनके बेटे के लिए अलग किताब और एक शिक्षक के लिए अलग किताब क्यों है? मालिक के लिए अलग किताब और नौकर के लिए अलग किताब क्यों है? ऑफिसर्स के लिए अलग किताब और ऑफिसर्स के गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के बेटे के लिए अलग किताब क्यों है? अब आप ये कहोगे कि उनके पास पैसा है इसीलिए वो पढ़ा रहे, इनके पास पैसा नहीं है इसीलिए वो नहीं पढ़ा रहे, और इनको किसने रोका है वही किताबें ये भी पढ़ा दे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए आईसीएसई में जो किताबें पढ़ाई जा रही है, जो महंगी किताबें कॉन्वेंट बड़े बड़े स्कूलों में जो किताबें पढ़ाई जा रही है, अगर वो सही है, अगर उसको पढ़ के फ्यूचर बच्चे का बन सकता है, तो वही किताब सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती? और अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली एनसीईआरटी की किताब भी सही है, तो वो किताब अमीर के बेटे क्यों नहीं पढ़ते? सवाल बहुत ही बेहतरीन उठाया है अश्वनी उपाध्याय जी ने, बहुत ही बेहतरीन सवाल उठाया और सवाल जेन्युइन भी है। इसीलिए ये मांग कर रहे हैं सरकार, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करके ये कहा कि एक राइट टू इक्वल एजुकेशन एक्ट लाया जाए जहां पे पूरे देश में एक सिलेबस हो, एक करिकुलम हो। जैसे 10th क्लास में गरीब का बेटा जो पढ़ेगा, 10th क्लास में अमीर का बेटा भी वही पढ़ेगा। जो यूपी में पढ़ेगा वही बिहार में पढ़ेगा, वही बंगाल में पढ़ेगा, वही गुजराती में पढ़ेगा। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, चाहे तो आप हिंदी में पढ़िए, चाहे तो इंग्लिश में पढ़िए, चाहे तो गुजराती में पढ़िए, चाहे तो बंगाली में पढ़िए, भाषा जिसमें भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए, लेकिन आपको सिलेबस और करिकुलम सेम रहेगा। वही टॉपिक, जो टॉपिक गरीब का बेटा बिहार में पढ़ेगा, वही टॉपिक कोई दूसरा व्यक्ति दिल्ली में पढ़ेगा, बंगाल में पढ़ेगा। बात समझ में आ रही? बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। अब आइए जरा कुछ और पॉइंट को देखते हैं जो इन्होंने कहा।
अब यहाँ पे सुनिए, इन्होंने बताया कि यह क्यों जरूरी है, इस चीज को जरा देखिएगा। तो इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे के सारे कम्पिटिटिव जो एग्जाम हो रहे हैं उनका पेपर एक हो रहा है। इंजीनियरिंग का एक ही एग्जाम होता है पूरे देश के लिए, IIT, मेडिकल का एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है पूरे देश के लिए, एनडीए का एक ही एग्जाम होता है पूरे देश के लिए, इसी तरीके से आईएएस का जो पेपर होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, पीसीएस का पेपर सबके लिए कॉमन होता है, बैंक का पेपर सबके लिए कॉमन होता है, रेलवे का पेपर सबके लिए कॉमन होता है, और अब तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कॉमन जो सीयूईटी हो रहा है वो भी सबके लिए एक पेपर कॉमन है। अब जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर एक है तो फिर अलग अलग सिलेबस क्यों पढ़ाया जा रहा है? सीबीएसई कुछ अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई कुछ अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बंगाल बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, और सारी पढ़ाई करने के बाद जब बच्चा जाएगा एग्जाम देने उसके लिए सबके लिए एक पेपर होगा। अगर पेपर सीबीएसई के पैटर्न पे सेट होता है तो बाकी स्टेट बोर्ड वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अगर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर है इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, एनडीए का, बैंक का, रेलवे का, अगर वो आईसीएसई बोर्ड के पैटर्न पे होता है तो सीबीएसई बोर्ड वालों को और बाकी स्टेट बोर्ड वालों को फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अब यहां पे देखिए, बिल्कुल इन्होंने सही पॉइंट उठाई कि जब हम नीट का एग्जाम हो गया, जेईई मेंस का एग्जाम हो गया, एनडीए का एग्जाम हो गया, ये एक पेपर होता है पूरे देश में। जब ये एक पेपर पूरे देश में होता है तो फिर सीबीएसई वाला अलग क्यों पढ़े, आईसीएसई वाला अलग क्यों पढ़े, स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, बंगाल बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ये लोग अलग अलग किताबें क्यों पढ़े? बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है। अच्छा, ये इसलिए भी जरूरी है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्टेट बोर्ड का टॉपर से टॉपर लड़का, स्टेट बोर्ड का टॉपर से टॉपर लड़का आज संभव नहीं है, अगर कोई एक्सेप्शन है अलग बात है, लेकिन आज संभव नहीं है कि यूपी में इंटरमीडिएट का टॉपर लड़का वो नीट एग्जाम निकाल ले, एम्स उसको मिल जाए। यूपी बोर्ड का जो टॉपर से टॉपर लड़के हैं वो आईआईटी जेई निकाल ले, उनको आईआईटी कॉलेज मिल जाए, क्या बिना कोचिंग के, बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के, वही एनसीईआरटी और वही अपने स्कूल से पढ़ के, क्या ये पॉसिबल है? मेरा कहने का मतलब ये है कि हम स्कूली शिक्षा के ऊपर कोचिंग को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं, कि हमारे पास ऐसी किताबें या ऐसी स्कूल्स क्यों नहीं है कि उस स्कूल में ही पढ़ के बच्चा ऐसे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स निकाल ले, चाहे वो नीट की बात करें, एनडीए की बात करें, सीयूईटी जो कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है उसकी बात करें, स्कूल से पढ़ के, अपने कॉलेज से पढ़ के क्यों उनको एक्सटर्नल टीचिंग, एक्सटर्नल कोचिंग की जरूरत पड़ रही है? वो किस अलग तरीके से डिजाइन कर रहे हैं? और सही बात है कि जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो कभी कभी किसी और फॉर्मेट पे सेट हो जाते हैं, सीबीएसई के पॉइंट्स को टच कर लिया गया तो यूपी बोर्ड वालों के साथ दिक्कत है, तो बहुत ही जेन्युइन पॉइंट यहाँ पे उठाया गया। इसीलिए स्टेट बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो अपने स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में तो अच्छा करते हैं, उनमें उसमें उनके 90%, 80%, 95% तो आ जाते हैं, लेकिन जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि पढ़ाने का पैटर्न अलग था, एग्जाम्स का पैटर्न अलग था, किताबें अलग थी और आने वाले क्वेश्चन अलग थे। जेन्युइन बात है, आगे देखिए। राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, इसलिए हमने कोर्ट से ये कहा है कि आप केंद्र सरकार को निर्देश दीजिए, एनसीईआरटी को कहिए एक कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम तैयार करे। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे और एनसीईआरटी से कहे कि आप एक कॉमन सिलेबस और कॉमन करिकुलम बनाइए जो कि पूरे देश में लागू होगा। अब यहाँ पे एक और खेल जरा समझिए, इन्होंने आगे एक चीज मेंशन किया उसको जरा ध्यान देखिए कि ऐसा करने से दिक्कत किसको है, ऐसा करने से प्रॉब्लम किसको है, जरा इस चीज को भी यहाँ पे समझिएगा। और मैंने ये भी कोर्ट को कहा कि ये कोचिंग माफियाओं के दबाव में ही वन नेशन वन एजुकेशन लागू नहीं हो रहा है। कोचिंग माफिया इतने पावरफुल है, इनका लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का कोचिंग का बिजनेस है हर साल का। अगर वन नेशन वन सिलेबस हो जाएगा, कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम हो जाएगा और जो पढ़ाया जाएगा यही पूछा जाएगा तो लोग कोचिंग नहीं करेंगे, जो मेहनती बच्चे होंगे वो अपनी पढ़ाई करेंगे और उसके बाद एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन ये कोचिंग माफियाओं ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि पहली बात तो वन नेशन वन सिलेबस नहीं होने दे रहे, वन नेशन वन एजुकेशन नहीं होने दे रहे, और दूसरा जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाता, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। इसका मेन ये कारण है कि कोचिंग माफियाओं ने पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक किया हुआ। और दूसरी बात ये भी है, जो बुक माफिया है, पब्लिशर है, ये नहीं चाहते कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम हो, क्योंकि अगर कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम हो जाएगा और सिलेबस कांस्टेंट रहेगा 2 साल 3 साल 4 साल तक वही रहेगा तो फिर जो पब्लिशर है इनकी किताब कोई नहीं खरीदेगा, लोग एनसीईआरटी किताब खरीद लेंगे। जो एनसीईआरटी छापेगा अगर वही लोग किताब में स्कूल में चलाएंगे
तो एनसीईआरटी किताब 100 रुपए की मिलती है, प्राइवेट पब्लिशर उसको 500-1000 रुपए की बेचते हैं। तो बुक माफिया नहीं चाहते कि कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम हो, एनसीईआरटी किताब हर जगह लागू हो। कोचिंग माफिया नहीं चाहते यूनिफॉर्म सिलेबस हो, यूनिफॉर्म करिकुलम हो, वन नेशन वन सिलेबस हो। तो देखा आपने, इन्हें बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही बेहतरीन तथ्यों के साथ इन्होंने बताया कि किस इस यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम से, इक्वल एजुकेशन सिस्टम से इसे प्रॉब्लम है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई नई प्रैक्टिस है, नई कोई प्रक्रिया है, तो इन्होंने ये भी मेंशन किया कि इसके अलावा कौन कौन से देशों में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है, कॉमन सिलेबस है, कॉमन करिकुलम है। जरा इस चीज को भी ध्यान से देखिए, फिर इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे। और मैं आपसे आपकी राय लेना चाहूंगा कि आपकी राय इसके बारे में क्या है। जरा लास्ट पॉइंट देख लीजिए, फिर मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। और अगर आप बाहर देखिए, अमेरिका में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, चाइना में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, फ्रांस में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, जापान में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, सिंगापुर में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, रशिया में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, दुनिया के कई देशों में यूनिफॉर्म एजुकेशन होता है, यानी सिलेबस करिकुलम सबका कॉमन होता है। हमारे देश में सिलेबस अलग अलग चल रहे हैं, करिकुलम अलग अलग चल रहे हैं। इसके कारण बच्चा कितना भी अच्छा हो पढ़ने में, बिना कोचिंग के वो इंजीनियरिंग क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो देखा आपने, इन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म सिलेबस और यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे हर एक बच्चे को एक किताब एक सिलेबस पढ़ाई जाती है। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत ही सच्ची बात बता रहा हूँ, और ये बात हकीकत है कि स्टेट बोर्ड का बच्चा चाहे, क्योंकि आपने जो कोर्स डिज़ाइन किया, आपने जो करिकुलम हमें दिया, वह दूसरे करिकुलम से अलग है। दूसरे करिकुलम वाले बच्चे वो बेहतर कर पाते हैं, हालांकि हम कितना भी मेहनत कर लें, हमें वो चीज़ें इंट्रेंस एग्जाम में रिजल्ट नहीं निकाल पाते। स्टेट बोर्ड में आप हमसे कहिए कि राइट LHS और RHS को प्रूफ करिए, हम प्रूफ कर लेते हैं, लेकिन वही सवाल जब इंट्रेंस एग्जाम्स में आता है तो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो बेनिफिट, वो एग्जाम और वो पेपर किसी और पैटर्न पे सेट किया रहता है, और इसमें बच्चे पीछे रह जाते हैं। हाई स्कूल का बच्चा, इंटरमीडिएट का बच्चा इतना मेंटली तौर पर डेवलप नहीं होता कि वो अपने सिलेबस से बाहर हटके दूसरे सिलेबस को भी पढ़े। जरा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि टीन एज होता है, उस एज में बच्चे खेलते हैं और खेलना भी जरूरी है, उस एज में बच्चे परिवार से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, वो सारी चीज़ें भी जरूरी है, अनुशासन सीखना भी जरूरी है। इतना आप उनको मशीन नहीं बना सकते कि पढ़ो पढ़ो, NCERT भी पढ़ो, ICSE भी पढ़ो, CBSE पढ़ो, सब वो नहीं कर पाता। तो बजाय इसके कि NCERT पढ़े, CBSE पढ़े, ICSE, बजाय इसके क्यों ना हम एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लाएं, हम एक कॉमन सिलेबस और कॉमन करिकुलम की बात करें, और सबके लिए एक कॉमन जो बेस्ट हो। मेरे कहने का मतलब, अगर आपको लगता है कि ICSE का ही सिलेबस बेस्ट है, तो आप वही पढ़ा दीजिए बच्चों को, पोटेंशियल है, वो कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि NCERT बेस्ट है, तो वही पढ़ा दीजिए, वही बेस्ट है। एक सवाल काउंटर में आप पूछ सकते हैं, जैसे आपको लगता है कि भैया सारे बच्चे का मेंटल लेवल एक जैसा तो नहीं होता, हो सकता है कि कुछ बच्चों का मेंटल लेवल इतना अच्छा है कि वह ICSE वाले को पढ़ पाते हैं, और कुछ बच्चों का मेंटल लेवल ऐसा नहीं है कि वह ICSE वाले चीज़ों को नहीं पढ़ पाए। ये बड़ा जेन्युइन सा सवाल हो सकता है कि चलो कुछ बच्चों का मेंटल लेवल अच्छा है, IQ अच्छा है, वो ICSE की किताबों को पढ़ पाएंगे, जो इंटरमीडिएट में पढ़ना है उसको क्लास 8 में वो समझ सकते हैं। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसमें पैसा कैसे बैरियर आ गया? मेरा कहने का मतलब, अगर ये तथ्य है कि जिनका मेंटल लेवल अच्छा है वो ICSE को पढ़ सकते हैं, तो वो ICSE की किताब सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्यों मुझे उसको पढ़ने के लिए 4,000-5,000 महीने का फीस देना पड़ेगा और 500-600 रुपए खर्च करने पड़ेगा किताब पे? अगर जो बच्चे का IQ लेवल बेहतर है, वो उस चीज़ को कैप्चर कर सकता है, उस चीज़ को पढ़ सकता है, तो NCERT उन चीज़ों को अपने सिलेबस में क्यों नहीं शामिल करती, या फिर उस किताब को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? जेन्युइन सा सवाल। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि शिक्षा, दोस्तों हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा से अच्छा पढ़े। अगर देश में एक भी ऐसा परिवार हो, और मुझे पता है कि लाखों नहीं करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो पैसे की वजह से अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, और आज स्टेटस ऐसा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने का मतलब आप गरीब हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, ऐसा माहौल बना दिया गया, ठीक है, तो हमें इस चीज से निकलना पड़ेगा। खासतौर पर शिक्षा को तो हमें इक्वल करना पड़ेगा, कि आप अमीर हैं या नहीं है, पैसा है या नहीं है, आपका बच्चा पढ़े बिना अधूरा नहीं रहेगा, पढ़ेगा जरूर, और अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन लेगा, इक्वल एजुकेशन लेगा, आपका बच्चा भी वही पढ़ेगा जो एक अमीर का बच्चा पढ़ेगा। इससे क्या हुई, इक्वालिटी आई, ठीक है। मेंटली तौर पे, इमोशनल तौर पे एक परिवार दूसरे परिवार से खुद को छोटा नहीं समझेगा। अब जरा खुद सोचिए ना, एक बेटा अगर गाड़ी में बैठ के ऊंचे स्कूलों में जा रहा है टाई लगा के,
और दूसरा बेटा अगर पीठ में ऐसे बैग लेके पैदल जा रहा है और उसको ये भी तसल्ली नहीं कि वहाँ टीचर जनगणना में गए हैं, पोलियो पिलाने गए हैं या क्या करने गए हैं, तो उसके माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगी? अरे उनका बेटा तो ऐसे जा रहा है, अब मेरा बेटा ऐसे स्कूल में जा रहा है, यहाँ पे ये भी संभव नहीं कि टीचर स्कूल में है कि वो पोलियो की दवा पिलाने गए हैं या फिर जनगणना। जेन्युइन सी बात है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो क्या होगा, एक गैप बढ़ेगा अमीर और गरीब के बीच में एजुकेशन सिस्टम में, और ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये जिन्होंने इन्होंने अश्विनी उपाध्याय जी ने जो पॉइंट्स उठाए, मैं उनका बहुत समर्थन करता हूँ, और मैं भी अपनी तरफ से चाहता हूँ कि एक कॉमन सिलेबस हो पूरे देश में सभी बच्चों के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ का समर्थन करेंगे। आपके विचार क्या हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप अपने स्तर से जो भी जिस तरीके से भी इसका समर्थन कर सकते हैं करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हो सकता है शायद किसी ऐसे व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुँच जाए जो कि इस मामले में कुछ कदम उठाए, सकारात्मक कदम उठाए, और ये जो गैप है और अमीरों की शिक्षा और गरीबों की शिक्षा में, इस गैप को खत्म किया जाए। आप वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड चाहते नहीं चाहते, और चार हफ्ते के बाद जवाब आ जाएगा, फिर 11 दिसंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को जन जन पहुंचाइए, इस वीडियो को घर घर पहुंचाइए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, इनके विचार उनके राय पसंद आए होंगे, आपके राय और विचार हम जानना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा परिवार तक आप शेयर कर सके। जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, उन तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। जय हिंद।